ऋषु भैया, ऋषु भैया कैसे हो? मैं तो वैसा ही हूँ जैसे तुम छोड़ के गए थे। वैसे तुम हो कहाँ आजकल? कभी पहाड़ों पे, कभी नदी में, कभी किसी शहर, कभी किसी गांव में। अपने ठिकाने बदलने में एक्सपर्ट बन गए हो बिल्कुल। किससे भाग रहे हो? अब ऋषु भैया मैं तो हूँ आवारा मुसाफिर। आपकी तरह डिपेंडेबल और स्टेबल बंदा होता तो क्या बात है। ये जो तुम तारीफों के पुल बांध रहे हो, ये नकली चूने से तो नहीं बना कहीं? नहीं नहीं ऋषु भैया, बिल्कुल असली है। वैसे तूने कभी आईने में देखा है अपने आप को? फैट लगता है। फैट? अरे प्रीटी हॉट एंड टेम्पटिंग ब्रो। प्रीटी हॉट एंड टेम्पटिंग, वाह ऋषु भैया, नॉट बैड। वैसे आपकी जॉ लाइन देख के मुझे लगा कि आप लोग एक चाकू पे पैसे क्यों बर्बाद करते हो। इतनी शार्प जॉ लाइन है, इससे तो मटन कट जाए। खुद के बाइसेप्स देखें। नोआ सेंटिनियो यूजेस देम एज हिज पुलअप। लेकिन आपका जो ये स्किल है ना, वो माइंड ब्लोइंग। फ्रीजर हो या गीजर, आप किसी भी बंद गैजेट को ना चालू कर देते। लेकिन चालू तो तू निकला ना। क्या मतलब? नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तेरी राफ्टिंग ट्रिप की पिक्चर्स देखी मैंने इंस्टा पर। किसके साथ गया था? मैं रमेश के साथ गया था। वही आपका चड्डी बड्डी जो। सुन, मेरी आंखों पर ना चश्मा है पट्टी में। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, एक्टिंग तो तू बहुत सही करता है। मस्ट से वेरी कन्विंसिंग एंड डिसीविंग। सो यू नो यू आर लाइक द अल्टीमेट बैड गाय। बैड गाय ऋषि भैया, हो सकता है कि मैं आपके लिए बैड गाय हूं, पर रानी के लिए तो मैं। रानी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझा? ऋषि भैया बीच में रानी नहीं, आप आ रहे। मैं आ रहा हूँ बीच में। ये जो अल्टीमेट कॉन्स्पिरेसी का खेल खेल रहे हो ना, मैं उसका पुराना खिलाड़ी हूँ बेटा। यही तो प्रॉब्लम है ऋषि भैया, आप ना थोड़े पुराने हो गए। लेकिन अगर पुराने खिलाड़ी को उकसाओगे तो बड़ा पछताओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब ऋषि भैया, कौन कहता है कि इश्क सिर्फ आबाद करता है? कितनों को तो ये खुशी खुशी बर्बाद करता है। एक मिनट, तू कब से दिनेश पंडित पढ़ने लग गया? और ये तो रानी की फेवरेट लाइन है, उसे बार बार दोहराती रहती है। हेलो साले तू रुक। हेलो, अरे नेटवर्क पहाड़ो। नील,